बिहार का शान और पटना का पहचान। गोलघर का जो दीवार का मोटाई है वो 3.4 मीटर है। गाइस तो काफी दिनों के बाद आप लोगों को ये शकल देखने को मिल रहा होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो गाइस स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। सो गाइस किसी प्रॉब्लम की वजह से काफी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, इसके लिए माफी चाहते हैं आप सभी से। मुझे पता है कि आप लोग वीडियो का काफी वेट कर रहे थे, वीडियो नहीं बना पा रहे थे, इसके लिए मुझे भी दिल से काफी बुरा लग रहा था। लेकिन गाइस आप लोगों के बीच हम पहले की तरह आ चुके हैं। जैसे पहले हम आप लोगों के बीच वीडियो कंटिन्यू लाते थे, उसी तरह फिर से हम आप लोगों के बीच लाने वाले हैं। तो जैसे अपना प्यार और सपोर्ट पहले बनाए रखे हुए थे, उसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। अब चलते हैं वीडियो की ओर। गाइस तो इस ब्लॉग में हम आप लोगों को दिखाने वाले बिहार का शान और पटना का पहचान, ऐतिहासिक गोलघर आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस तो फाइनली पटना का गोलघर पहुंच चुके हैं। गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है ये गोलघर। इस वर्ष गोलघर का 335 वर्ष पूरा हो चुका है। आप चलते हैं गोलघर के अंदर और फिर हम आप लोगों को पूरा गोलघर दिखाते हैं। सो वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। गाइस तो फाइनली टिकट लेके गोलघर के अंदर आ चुके हैं, जो कि देख सकते हैं यह है गोलघर और साइड से काफी खूबसूरत गार्डन भी बना हुआ है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को गोलघर घुमाएंगे, फिर आसपास जो भी कुछ होगा सभी कुछ हम आप लोगों को घुमाएंगे। तो चलते हैं पहले गोलघर के पास। गाइस तो आप लोगों को बता दें कि ये गोलघर का आकार 125 मीटर है, ऊंचाई इसका 29 मीटर है और एक सबसे रोचक बात तो ये है कि इसमें एक भी पिलर नहीं है। और इस गोलघर का मोटाई, दीवार का जो मोटाई है वो 3.4 मीटर है। इस गोलघर का जो दीवार का मोटाई है वो 3.4 मीटर है और इसमें ऊपर भी जा सकते हैं आप लोग घूमने के लिए, जो कि दोनों साइड से सीढ़ी बना हुआ है। एक सीढ़ी तो बंद है और दूसरे सीढ़ी के पास जाके हम दिखाते हैं आप लोगों को। अगर ऊपर जाने का गेट खुला होगा तो हम आप लोगों को ऊपर से भी जाके आप लोगों को पूरा दिखाएंगे। और गाइस अभी हम आ चुके हैं गोलघर के सीढ़ी के पास, जो कि देख सकते हैं यह है गोलघर का सीढ़ी, यानी कि मेन गेट है। गेट तो हालांकि गाइस बंद है, लेकिन ये सीढ़ी के माध्यम से आप लोग गोलघर के ऊपर जा सकते हैं और ऊपर से पूरा पटना का जो है वो खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। हालांकि गाइस मेन गेट बंद है, इसमें टोटल 145 सीढ़ी है। इसी सीढ़ी के माध्यम से आप लोग गोलघर के ऊपर जा सकते हैं और ऊपर से जो पटना का काफी खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। हालांकि गाइस मेन गेट तो बंद है और दोनों साइड गेट है, दो गेट है जो कि दोनों गेट बंद है। अगर गेट खुला होता तो हम आप लोगों को ऊपर जाके सभी कुछ दिखाते हैं, लेकिन गाइस इस बार हम नहीं दिखा पाएंगे। नेक्स्ट टाइम आएंगे अगर गेट खुला रहेगा तो हम आप लोगों को जरूर ऊपर जाके सभी कुछ दिखाएंगे। काफी लोग सोचते होंगे कि गोलघर के अंदर आखिर क्या है, तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि गोलघर के अंदर आखिर क्या है। इसके अंदर कुछ नहीं है, हालांकि पहले इसमें अनाज स्टोर हुआ करता था, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है ये पूरा, बिल्कुल खाली है। हाँ लेकिन एक खास बात है इसमें, अगर इसके अंदर अगर आप कुछ बोलते हैं तो आवाज जो है वो 27 से लेकर 32 बार गूंजता है। तो चलिए हम आप लोगों को भी कुछ बोल के सुनाते हैं। फिर से सुनाते हैं। अब यकीन हो गया ना, 27 से 32 बार तक आवाज गूंजता है। एक ही आवाज को अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो वो 27 से लेकर 32 बार तक ये गूंजता रहता है, और अभी भी हम सुन के देख चुके हैं ये सच है। काफी लोग सोच रहे होंगे कि इस गोलघर को बनाया क्यों गया था। गाइस आप लोगों को बता दें कि 1770 में भयंकर भुखमरी की वजह से इस गोलघर को बनाया गया था, जो कि देख सकते हैं इस गोलघर में 1.40 टन अनाज रखने का क्षमता है। और ये गोलघर के जो ऊपरी भाग है 3 मीटर तक ईटा की जगह सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल किया गया, जो कि देख सकते हैं ये गोलघर के ऊपरी भाग जो है वो 3 मीटर तक सिर्फ पत्थर से बनाया गया।
गाइस तो अब बात करते हैं ये गोल घर का। नाम गोल घर क्यों पड़ा, क्योंकि ये गोला आकार में बना हुआ है। तो देख सकते हैं ये गोल घर जो है एकदम पूरा गोल आकार में बना हुआ है, इसी वजह से इसका नाम गोल घर है। जो कि देख सकते हैं इसके ऊपर, आप लोगों को फिर से बता दें कि इसके ऊपर भी आप लोग जाके घूम सकते हैं। हालांकि अभी वो गेट बंद है, इसके वजह से अंदर नहीं जा पा रहे थे और नहीं जा पाए। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो इसके ऊपर भी जाके दिखाएंगे। हालांकि इसके ऊपर जाके काफ़ी कुछ दिखा सकते हैं आप लोगों को, वो ऊपर जाने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। तब तक के लिए हम आप लोगों को, साइड में काफ़ी अच्छा गार्डन बना हुआ है और यहाँ पे लेजर शो का भी सुविधा है, या लेजर शो भी चलता है शाम को। पता करते हैं अगर लेजर शो चलेगा तो हम आप लोगों को इसी वीडियो में लास्ट में लेजर शो जरूर दिखाएंगे। सो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। गोलघर का खूबसूरत गार्डन, और गाइस देख सकते हैं यहाँ पे लेजर शो चलता है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा बनाया गया है लेजर शो चलने के लिए, और साइड में बच्चे लोगों के लिए झूला वगैरह लगा हुआ है। और गाइस इस साइड बैठने के लिए काफी अच्छा सा बनाया गया है, जो कि देख सकते हैं ये गोलघर के एकदम से सामने में है। गार्ड से पता करने के बाद गाइस पता चला है कि ये लेजर शो जो है वो 2 साल से बंद है, यानी कि लॉकडाउन से पहले से जो बंद हुआ है वो अभी तक चालू नहीं हुआ है। और वो जो मेन गेट है, जिस गेट से आप लोग ऊपर जा सकते हैं घूमने के लिए, वो 5 साल से बंद है। हालांकि पहले उसके ऊपर जाके घूम सकते थे, हालाँकि अभी बंद है, सीढ़ी डैमेज है। अगर आई होप आने वाले समय में ये सारा कुछ सही हो जाएगा तब हम आप लोगों को फिर से आके दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे आप लोग। गाइस तो ये गोलघर में जो भी कुछ था सभी कुछ हम आप लोगों को दिखा दिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। बाय बाय।